चीन की शांजी कोल एंड केमिकल इंडस्ट्री ग्रुप ने सिंध के जनूबी इलाके में कोयले के ज़खायर से केमिकल्स की तैयारी के लिए टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी के मुश्तरका मंसूबों में दिलचस्पी का इजहार किया है। शांजी कोल एंड केमिकल इंडस्ट्री ग्रुप चीन के सबसे बड़े सरकारी इदारों में से एक है जो कोयले, केमिकल और तवानाई के शोबों में नुमाया सरमायाकारी कर रहा है। पाकिस्तान के वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने इस हवाले से चीनी कंपनी के हुकाम को आगाह किया। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि पाकिस्तान के पास कोयले के वसी ज़खायर मौजूद हैं और हुकूमत इन ज़खायर का मौसर इस्तेमाल करके मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए पुराज़म है। थर में कोयले के ज़खायर से सालाना 76 लाख टन कानकनी की जा रही है और 3 सालों में इसे 1 करोड़ 10 लाख टन तक बढ़ाने का मनसूबा है। शांजी कोल एंड केमिकल इंडस्ट्री ग्रुप चीन के सबसे बड़े सरकारी इदारों में से एक है जो कोयले, केमिकल और तवानाई के शोबों में नुमाया सरमायाकारी कर रहा है। पाकिस्तान के वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने इस हवाले से चीनी कंपनी के हुकाम को आगाह किया। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि पाकिस्तान के पास कोयले के वसी ज़खायर मौजूद हैं और हुकूमत इन ज़खायर का मौसर इस्तेमाल करके मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए पुराज़म है। थर में कोयले के ज़खायर से सालाना 76 लाख टन कानकनी की जा रही है और 3 सालों में इसे 1 करोड़ 10 लाख टन तक बढ़ाने का मंसूबा है।